हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 10th के कंप्यूटर साइंस के सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम होने वाले हैं और मुझसे सवाल पूछा गया, रिशिता मिश्रा ने सवाल पूछा है। कुछ कंडीशंस दी गई हैं और सवाल क्या है, एक सैंपल पेपर मुझे दिया गया है, ये देखिए। ये क्वेश्चन है एसक्यूएल में, ऐसा आपको बनाना है और ऐसा ही नहीं बनाना है, इसके बाद यहां पर एसक्यूएल कमांड भी लिखना है टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आईटी टीचर्स की इंफॉर्मेशन देखनी है। तो आईटी टीचर्स यानी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर यहां पर है, ये जुगल नाम है, फिर यहां पर देखिए यहां पर कंप्यूटर है, तो केवल इन्हीं की हमें इंफॉर्मेशन देखनी है। पहला तो सवाल ये हो गया। अगर पूरा इंफॉर्मेशन देखना होता तो क्या करते, वो भी बहुत आसान है। तो यही सब होने वाला है आज के इस वीडियो में। यहां पर अलग अलग सवाल दिए गए, यहां पर देखिए ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट ऑफ ऑल टीचर्स whose age is more than 40 years. कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनकी एज मोर देन 40 years है, तो उनके रिकॉर्ड केवल डिस्प्ले कराने हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल कमांड। तो ये सब कैसे होगा ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाकर के यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे आते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मैंने ओपन किया है, इसी पर हम काम कर लेते हैं। अगर आपके पास एसक्यूएल सर्वर है तो वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। ये आ गए, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट टेबल, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं एक टेबल, तो ये लिख दिया क्रिएट टेबल। इस तरीके से आपको लिख देना है। टेबल का नाम क्या है, देखिए यहां पर दिया गया टेबल का नाम, तो इस टेबल को ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए टीचर्स दिया गया नाम, क्या दिया गया है टीचर्स, तो आपको भी टीचर्स ही लिखना है। तो यहां पे लिखिए टीचर्स, TEACHERS, टीचर्स के नाम से ये टेबल तो बन गई। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, स्मॉल पैरेंथेसिस ओपन हो जाएगा। अब इसमें रिकॉर्ड क्या क्या लेके आने हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए पहला है नंबर, नंबर लेके आना है। अब नंबर इंटीजर डेटा टाइप हो सकता है, हाई है इंटीजर डेटा टाइप, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए यहां पर हम कर लेते हैं नंबर। पहले में क्या करना है, फील्ड नेम रखना है नंबर, ये फील्ड नेम है आपका, ये नंबर रख दिया हमने, और ये इंट डेटा टाइप है। कौन सा डेटा टाइप है, इंट डेटा टाइप, बस कॉमा दे दीजिए। कहीं प्राइमरी की का कोई प्रश्न नहीं उठता है, कोई सवाल नहीं है प्राइमरी की का, क्योंकि यहां पर कहीं भी कुछ प्राइमरी की के नाम से हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसमें का एक क्वेश्चन मैं उठा लेता हूं ये वाला, ठीक है, और एक ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले करा के दिखा दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये दिया हुआ है टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स हूज एज इज मोर देन 40 इयर्स, और हमको ऑल रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना, ये भी करना है काम। तो ये सारे काम हमको करने हैं, तो अभी हम फिलहाल स्ट्रक्चर बनाने पर फोकस करते हैं। तो ये देखिए नंबर हो गया, अब नंबर तो ये आता चला जाएगा। अब फिर नेम है, तो यहाँ पे नेम भी हमको लेके आना है। तो नेम लेके आने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करके नीचे आएंगे, लिखेंगे नेम, NAME नेम। नेम क्या होगा, टेक्स्ट डेटा टाइप हो सकता है, आप वायर कैर भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, कॉमा दे करके फिर आइए। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर एज है, तो एज कौन सा डेटा टाइप होगा, एज भी नंबर डेटा टाइप हो सकता है, तो यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं, NUMBER नंबर डेटा टाइप दे दिया, ठीक है। आप यहाँ पे फ्लोट भी दे सकते हैं, चाहे तो फ्लोट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख दीजिए FLOAT फ्लोट, तो फ्लोट डेटा टाइप भी हो जाएगा ये। फ्लोट का मतलब ये डेसिमल में भी वैल्यूज कंटेन करेगा, लेकिन अगर आप इंटीजर लिखते हैं तो डेसिमल में वैल्यू कंटेन नहीं करेगा। तो ये हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट दिया हुआ है और फिर डेट ऑफ ज्वाइन दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट और डेट ऑफ ज्वाइन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट में आते हैं, लिखते हैं सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट ये कौन सा डेटा टाइप होगा, इसको भी हम टेक्स्ट रख सकते हैं। चलिए इस बार वेयर कैर रख लेता हूं, दोनों ही करके बता देता हूं। टेक्स्ट हमने ऊपर ले लिया था, ठीक है, और यहां पर वेयर कैर ले लेते हैं, ठीक है। तो नेम को हमने टेक्स्ट लिया था, यहां पे वेयर कैर ले लेता हूं। साइज की रख देता हूं 50, ठीक है, यानी 50 कैरेक्टर्स तक ये लेगा, उसके बाद नहीं लेगा, ठीक है। कॉमा देते हैं, आगे क्या है एक बार फिर से चेक करते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट के बाद है डेट ऑफ ज्वाइन, तो यहां पे लिख देता हूं डेट ऑफ ज्वाइन। तो डेट ऑफ ज्वाइन लिखते समय आपको ध्यान देना है अंडरस्कोर का प्रयोग करना है, गैप नहीं देना, डेट ऑफ ज्वाइन आपको अंडरस्कोर लगाना है इस तरीके से। ये डेट ऑफ ज्वाइन हो गया। अब यहां पर क्या होगा, डेट एंड टाइम डेटा टाइप आएगा। तो यहां अब चूंकि समस्या ये है कि यहां पर हमने रखा है नंबर, अब नंबर तो एक खुद ही डेटा टाइप है और इसके लिए हमने इंट डेटा टाइप यूज किया है, तो यहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसीलिए मैंने यहां पे डबल बी कर दिया है, जिसकी वजह से ये है तो नंबर ही, फील्ड नेम तो नंबर ही एज ए कंसीडर करेगा, लेकिन यहां पर जो कि नंबर एक डेटा टाइप है, तो या तो आप बीच में अंडरस्कोर वगैरह लगा दीजिए, नहीं तो फिर कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए कि ये नंबर के बजाय कुछ और इसमें लगा दीजिए, जैसे कि मैंने डबल बी जोड़ दिया है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। और इसको मैंने इंट डेटा टाइप रख ही दिया है, देख ही सकते हैं आप। बाकी यहां पर डेट ऑफ ज्वाइन दिया है, तो यहां केवल डेट लिखना है। डेट एंड टाइम डेटा टाइप आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में यूज करते हैं, यहां पर आपको केवल डेट लिखना है। और फिर यहां से जाके इसको रन करवा दीजिएगा, यहां रन पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, बस यही तो है।
के नाम से हमने बनाया था, देखिए वही वही चीजें आई हैं, देख सकते हैं। अब यहां पर सारी चीजें आप फिल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब जैसे नंबर है तो यहां 1 फिल कर दिया, यहां पे नेम है तो जो भी नेम दिया गया है यहां पर आप चेक कर सकते हैं क्या नेम दिया गया। तो पहला में नाम दिया गया जुगल, तो जो नाम दिया गया यहां पर आप एंटर करवा दीजिए, जुगल हो गया, ठीक है। फिर यहां पे एज दिया गया, तो इनकी एज क्या है वो देख लीजिए, जैसे इनकी एज है 34, तो 34 यहां पे एंटर कर देते हैं। 34 एंटर करने के बाद यहां पे आएंगे सब्जेक्ट, तो जो भी ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आईटी पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, आईटी पढ़ाते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं कंप्यूटर, ठीक है, तो ये लिख दिया। फिर आगे आते हैं यहां पे डेट ऑफ ज्वाइन, जैसे ही डेट ऑफ ज्वाइन पे जाएंगे तो यहां पर ये कैलेंडर सा बन के आएगा, यहां से आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग चूज कर सकते हैं। तो इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसमें क्या दिखाई गई है वो देख सकते हैं, 10/1/2019 दिखाया गया, तो जो दिखाया गया आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूं और खाली यहां पे 2019 कर देता हूं, इसको चेंज कर देता हूं। तो ये फीमेल, तीन बार मेल है, तो यहां एम, फिर यहां पर टाइप करेंगे एम, और फिर यहां पर एम, और फिर लास्ट में फीमेल के लिए एफ कर देंगे। तो ये हमारा टेबल तो बन गया, देख सकते हैं टेबल बनाना आसान है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बनाना आसान है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि टेबल कैसे आपको बनाना है, तो क्लियर है टेबल। अगर टेबल क्लियर है तो फिर अगले स्टेप पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको क्वेरी टू के नाम से आ रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्यू के नाम से मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये लिख दिया स्टूडेंट क्यू, स्टूडेंट क्यू के नाम से ये क्वेरी हमने सेव कर दी। अब इस क्वेरी को क्लोज कर देना है हमको, ठीक है। ये इसका रिजल्ट ये है, ये इस तरीके से ये बन के आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे सवाल ये है हमारा, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर आपको आईटी के टीचर्स के लिए, अच्छा आईटी का टीचर्स यहां पर इसकी बात कर रहे थे हम तीसरे वाले की, टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट ऑफ ऑल टीचर्स हूज एज इज मोर देन 40 इयर्स, इसी को मैं बता देता हूं, ठीक है। इसी तरीके से पूरा रिकॉर्ड अगर आपको शो कराना हो तो पूरा रिकॉर्ड तो शो कराना बहुत आसान है। पूरे रिकॉर्ड के लिए आप सीधा सीधा एक क्वेरी बना लीजिए, पहले तो इस टेबल को क्लोज कर दीजिए जो ओपन है, यहां से जाकर के अगर पूरा रिकॉर्ड शो कराना है तो यहां पर जाकर के, और स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट ही नहीं है, यहाँ पर टीचर्स के नाम से हमने टेबल बनाया है, ये टीचर्स वाला यही टेबल है, और देखिए इसमें ये टेबल इस तरीके से बनी हुई है। तो अभी हमें इसके लिए क्वेरी बनानी है, तो क्वेरी कैसे बनेगी, तो यहाँ पर पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करना है। यहाँ पर लिखिएगा सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखिएगा, सेलेक्ट लिखने के बाद आपको लगाना है एस्ट्रेक, यानी कि मल्टीप्लाई का जो सिंबल होता है वो लगा दीजिए, और इसके बाद आपको क्या करना है, कहाँ से सेलेक्ट करना है, तो हम लिख देते हैं फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है टीचर्स नाम है, तो TEACHERS टीचर्स ही नाम दिया गया है टेबल को, तो जो नाम दिया गया है बिल्कुल वही नाम आपको लिख देना है, ठीक है। ये लिख दिया, अब बस यहां से जाकर के क्वेरी पे जाके और यहां से अब इस पे क्लिक कर दीजिए। पहले ध्यान दीजिएगा कि ये टीचर्स वाली टेबल क्लोज हो, ठीक है। अब यहां से जाके क्लिक करिए, देखिए क्या होता है, पूरा का पूरा टेबल आपके सामने है कि नहीं है। तो अगर पूरे टेबल को फेच कराना है तो इस तरीके से लेके आ सकते हैं, समझ में आ रही है बात। अब देखिए यहां पर पूरा टेबल तो हमारा आ गया है, लेकिन अब दूसरी कंडीशन ये बनती है, दूसरी क्वेरी हमें ये बनानी है। पहले तो इसको सेव कर लेते हैं, ये जो क्वेरी हमने बनाई, चलिए क्वेरी टू आ रहा है, इसको स्टूडेंट क्यू के नाम से सेव करते हैं, स्टूडेंट क्यू, ठीक है। ये स्टूडेंट क्यू के नाम से ऑलरेडी सेव है, यहां पर एक और क्यू लगा देते हैं, चलिए हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, अब एक दूसरी क्वेरी, तो क्वेरी कैसे बनाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाके इसको ऑफ कर देंगे और यहां पर जाकर एसक्यूएल पे जाके क्वेरी बनाएंगे हम, ठीक है। यहां पे करना क्या है, हमको एज फाइंड करना है, किसके किसके बीच का एज फाइंड करना है, जो हम क्वेश्चन बता रहे थे। देखिए ये जो सी वाला क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट ऑफ ऑल टीचर्स हूज एज इज मोर देन 40 इयर्स, सारे सब्जेक्ट के टीचर जिनकी एज 40 इयर्स से ज्यादा है उनको खाली लेके आना है, उनका पूरा डिटेल आए, ऐसा हमें करना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, आसान है, देखिए एक बार समझ लीजिए सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। पहले तो सेलेक्ट करना है टेबल को, ठीक है। तो इसके लिए सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, तो यहां लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट लिखने के बाद यहां पे मल्टीप्लाई जो लगाते हैं हम वो लगा लीजिए, लगा लिया। अब यहां टेबल का नाम देना है टीचर्स, टेबल का नाम है, हमारे टेबल का नाम क्या है टीचर्स है, तो यहां पर टीचर्स दे दिया। टीचर्स देने के बाद क्या करना है, टीचर्स जैसे ही दे देंगे एंटर करके नीचे आइएगा, आप वहां पर भी लिख सकते हैं कोड, ठीक है। यहां पर लिखता हूं मैं वेयर, अब यहां पर कंडीशन देंगे हम वेयर एज, एज ही दिया है ना, एक बार हम चेक करते हैं कि एज दिया है कि नहीं दिया है, तो यहां पर डबल क्लिक करके चेक कर लेते हैं। तो ये एज है, देखिए एज 34 है, 31 है, 32 है, 35 है, हमें 40 इयर्स क्या है क्वेश्चन में, देखिए फिर से एक बार दिखाता हूं क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं सारे सब्जेक्ट के टीचर्स की बात कर रहा है, हूज एज इज मोर देन 40 इयर्स, कितने ऐसे टीचर्स हैं जिनकी एज 40 इयर्स से ज्यादा है, 40 भी नहीं 40 इयर्स से ज्यादा की बात कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात।
तो 40 इयर्स से ज्यादा की बात कर रहा है तो ग्रेटर देन 40 इयर्स हमें देना होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखना है आपको, यहां पर आकर क्या लिखना है, वेयर एज, ठीक है, इज ग्रेटर देन 40 कर दिया हमने। अब यहां पर इसको टर्मिनेट कर दीजिए, टर्मिनेट करने के बाद अब इस क्वेरी को रन कराना है, तो ये टीचर्स वाली टेबल क्लोज रहेगी तभी ये क्वेरी चलेगी, यहां पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहां पे फ्रॉम लिखना भूल गया मैं, यहां पे लिखना है फ्रॉम, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से इसको रन करवा दीजिए, तो देखिए जिनकी भी एज 40 ईयर से ज्यादा है केवल वही रिकॉर्ड्स आपके सामने आए हैं, कुछ इसी तरीके से ये क्वेरी सॉल्व होगी। तो अगर आपको समझ में आ गई हो बात तो बहुत अच्छी बात है, रिस्पॉन्स दीजिएगा आप लोग, ठीक है, और जो भी समझना है डायरेक्टली, जो भी कुछ समझना है डायरेक्टली हमें पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जिन बच्चों को पढ़ाया है उनको तो नंबर भी दे रखा है, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, थैंक यू।